हेलो फ्रेंड्स बीवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जो आपको अगस्त मंथ में नर्सरी पर सस्ते मिल सकते हैं कौन कौन से वो प्लांट हैं सभी के नेम प्राइस शेयर करूंगी इस वीडियो में तो ये सभी के सभी जो प्लांट हैं एक तो परमानेंट हैं गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं और सर्दियों में भी हमारे पास बने रहते हैं तो इस तरह के प्लांट परमानेंट प्लांट शेयर करूंगी जो आपको इस समय नर्सरी पर अगस्त में सस्ते मिल सकते हैं तो सबसे पहला प्लांट है देखिए इसको बोलते हैं मैक्सिकन हैदर बहुत ही खूबसूरत सा एक परमानेंट प्लांट होता है जो नर्सरी पर बहुत ही कम प्राइस में तीस चालीस रुपए में मिल जाता है जैसे देखिए मैं इसको एक डेढ़ साल पहले लाई थी छोटा सा प्लांट था ये मुझे तीस रुपए का मिला था और देखिए अभी इसको मैंने बारह इंच के गमले में लगाया हो और पूरा उसमें ये फैला हुआ है इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग में जब बनाए इसको थोड़े से छोटे गमले में वेल ड्रेड मिट्टी में लगाइए जिसमें गार्डन सॉइल रेत हो और खाद हो और इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको तीन चार घंटे की धूप मिल जाए पूरे दिन की धूप इसकी को जरूरत नहीं होती है सेमी शेड एरिया में जहाँ दो तीन घंटे की चार घंटे की धूप में अच्छे से फ्लावरिंग करता है और देखिये एक साथ इसमें ढेरों फूल खिलते हैं इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है गोलाई में ये ज्यादा बढ़ता है तो दूसरा जो प्लांट है देखिए इसको बोलते हैं रात की रानी रात की रानी भी एक बहुत ही खूबसूरत सा परमानेंट खुशबूदार फूलों वाला प्लांट होता है जिसके फूल जो है रात को खिलते हैं और एक साथ ढेरों फूल खिलते हैं जिसके फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है और देखिए मैं जब इसको नर्सरी से लाई थी कोई दो तीन साल पहले तो ये मुझे मिला था पचास रुपये का तो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं रहता है नर्सरी पर तो देखिए बहुत सारे फूल इसमें खिलते हैं और भी अभी जैसे देखिए बरसात का सीज़न है गर्मी आने, आने वाले समय में भी थोड़ी कम हो जाएगी तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इसको भी आप तीन चार घंटे की धूप में रख सकते हैं पूरे दिन की धूप की जरूरत इसको भी नहीं होती है और देखिए इस तरीके से ढेरों फूल देता है जिसमें बहुत सारी खुशबू होती है तो देखिए ये खूबसूरत पत्तों वाला जो प्लांट होता है इसको बोलते हैं कोलिस कोलिस आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर में मिल जाता है जिसके पत्तों के अलग अलग कलर होते हैं डिजाइन होते हैं तो ये प्लांट जो है बहुत ही सस्ता होता है हम जैसे मैं जम्मू से हूँ तो ये हमारे यहाँ बहुत ही सस्ता मिलता है बीस रुपये तक प्लांट इसका छोटा प्लांट मिल जाता है और इस समय आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं देखिए मैं दिखाऊंगी आपको इस गमले में मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी तो देखिए कितना अच्छा ये प्लांट तैयार हो गया है ये देखिए दिखा रही हूँ तो ये कटिंग से भी बहुत ईजीली इन दिनों लग जाता है तो अगर नर्सरी से प्लांट बना बनाया लेना चाहते हैं तो जैसे मैं जम्मू से हूँ तो ये प्लांट हमारे यहाँ बीस रुपये का मिल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तीस रुपये का आपको मिल जाएगा परमानेंट प्लांट है गर्मी के दिनों में इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है सर्दी में ज़्यादा सर्दी में नहीं रखना है तो देखिए जैसे अग बरसात का सीजन है और एग्जोरा जो प्लांट है इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है अगर आपके पास नहीं है या डिफरेंट कलर लेना चाहते हैं जैसे इसमें कलर और भी आते हैं जैसे ये रेड है वाइट है पीला रंग भी इसमें आता है पिंक कलर भी होते हैं तो ये भी इसमें देसी और डॉर्फ टाइप आती हैं तो जो डॉर्फ होती है जो छोटा साइज़ का प्लांट रहता है वो थोड़ा सा महंगा आपको सौ रुपये तक मिलेगा मगर ये जो जो थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता है ये आपको सस्ता ही मिल जाएगा पचास साठ से लेके सत्तर अस्सी रुपये तक ये मिल जाएगा परमानेंट प्लांट है पूरा साल रहता है पूरी गर्मी में फ्लावरिंग भी करता है देखिए ये है जूफोरविया मिली का प्लांट जूफोरविया मिली भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस और पूरे साल फूल देने वाला एक सस्ता और परमानेंट प्लांट होता है जिसको आप पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं अगर आपके गार्डन में पूरे दिन की धूप नहीं आती है तो आप इसको दो तीन घंटे की धूप में भी रख के इसे फ्लावरिंग ले सकते हैं सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है कि इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है तो ऐसी जगह इसको लगाना होता है जहाँ इसको दो तीन या चार घंटे की धूप भी मिल जाए ज़्यादा पानी नहीं देना है और टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देना है तो फिर ये प्लांट जो है पूरी साल इस तरीके से फ्लावरिंग देता रहता है कटिंग से भी लग जाता है बहुत ही आसानी से और नर्सरी पर आपको चालीस पचास रुपये का आसानी से मिल जाता है इसमें कलर और भी होते हैं तो अगस्त मंथ में नर्सरी से आप इस तरह का भी प्लांट ले सकते हैं ये है गोफरीना का प्लांट गोमफरीना का भी प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है जो पूरा साल हमारे गार्डन में रहता है गर्मियों में अच्छे से फ्लावरिंग करता है मगर इसकी जो फ्लावरिंग है वो सर्दियों में भी चलती रहती है इसको आप नर्सरी से पंद्रह बीस से लेके पच्चीस रुपये तक नर्सरी में मिल जाएगा दो तीन कलर्स में और जब इसके फूल खिलते हैं कई दिनों तक खिले रहते हैं और जब सूख जाते हैं अब जैसे अभी बरसात का सीज़न है आप उनको मिट्टी में डालेंगे तो दो तीन दिन में ही इसके नए प्लांट जो है हमें सूखे हुए फूलों से भी मिल जाते हैं तो इसको भी आप ले सकते हैं तो देखिए ये पीले फूलों वाला प्लांट है गोरी चोरी या टिकोमा कार्ड इसमें भी आपको देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के प्लांट जो है मिल जाते हैं और जो देसी होता है वो तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं नर्सरी से प्लांट लाएंगे तो पचास रुपये तक मिल जाएगा जो हाइब्रिड है वो प्लांट छोटा ही रहता है और वो आपको साठ सत्तर रुपये का मिल जाएगा तो इसको अगर सीड से ग्रो करेंगे तो ये आपको फ्री में भी मिल जाएगा तो इस तरह के भी प्लांट लगा सकते हैं आप ये गर पूरी गर्मी और बरसात के सीजन में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं और पूरा साल भी हमारे गार्डन में बने रहते हैं कम केयर में भी चलते हैं तो देखिए जैसे ये अपराजिता का प्लांट है तो अपराजिता का भी जो प्लांट होता है गर्मी के दिनों में और बरसात के सीजन में बहुत ही अच्छे से देखिए ग्रोथ करता है और इस तरीके से ढेरों फूल एक साथ देता है और नर्सरी पर इसका जो प्राइस है तीस चालीस से लेके पचास रुपये तक रहता है इसमें आपको कलर और भी मिल जाते हैं ज़्यादा रंग ये नीला रंग ही नर्सरी पर मिलता है और इसमें भी आपको सिंगल पेटल वाले फ्लावर प्लांट या डबल पेटल वाले मिल जाते हैं और इसका भी प्राइस कम ही रहता है नर्सरी पर आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं पूरी गर्मियाँ मार्च से ले ये प्लांट जो है दिसंबर तक फ्लावरिंग करता है जब बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है एक दो महीने तब इसमें फ्लावरिंग कम रहती है और प्लांट बना रहता है तो देखिए ये प्लांट है कॉक्सकोम का जहाँ इसको बोलते हैं सिलोसिया ये देसी टाइप है इसमें भी आपको हाइब्रिड और देसी दोनों तरह के जो प्लांट है वो नर्सरी पर मिल जाते हैं ये ये भी जो प्लांट है एक बार अपने गार्डन में हमें ऐड करने होते हैं और फिर जहाँ भी इनके सीड गिरे होते हैं अगले साल जी मार्च अप्रैल में खुद ही उगना शुरू हो जाते हैं और जो दिसंबर तक जो है बने रहते हैं हमारे गार्डन में पहले तो स्टार्टिंग में इनकी खूबसूरत पत्ते ही होते हैं बाद में जैसे गर्मी और बरसात का सीजन कम हो जाएगा फिर इनमें फूल भी खिलते हैं सितंबर अक्टूबर में और ये बने रहते हैं नवंबर तक ये प्लांट है कनेर का या ओलियंडर का तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा परमानेंट प्लांट होता है पूरी धूप में ग्रो करने के लिए अगर आपको कोई प्लांट चाहिए जो कम प्राइस में भी मिले पूरा साल भी हमारे गार्डन में रहे और पूरी गर्मियाँ बिना केयर के आपको ढेरों फूल दे तो आप इसको ले सकते हैं इसमें आपको हाइब्रिड और देसी दोनों तरह के प्लांट मिल जाते हैं जैसे ये देखिए ये मेरा देसी वाला प्लांट है और ये मुझे पचास रुपये का मिला था वो दो तीन साल पहले इसको मलाई थी छोटा सा प्लांट है अभी देखिए मैंने इसको कटिंग पुरूनी करके एक बुशी लुक प्लांट के रूप में ग्रो किया और इसको मैंने बारह चौदह इंच का गमला है उसमें मैंने इसको ग्रो किया हुआ है जैसे देखिए जुलाई ख़त्म हो रहा है बरसात का सीजन चल रहा है अगस्त मंथ आ रहा है तो ये जो अल्मंडा होता है इसकी बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग का सीजन होता है इसमें भी आपको जो प्लांट है साठ सत्तर रुपये का प्लांट मिल जाता है परमानेंट होते हैं ये पूरा साल हमारे गार्डन में रहता है और गर्मियों में फूल भी देते हैं इसकी जो फ्लावरिंग है नवंबर तक चलती है तो इस तरह के भी प्लांट आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं बड़े बड़े फूलों के लिए तो देखिए ये प्लांट है मधु मालती का मधुमालती भी एक ऐसा फ्लावर प्लांट होता है जिसको आप गमले में ज़मीन में दोनों जगह लगा सकते हैं और देखिए इस तरीके से बरसात के सीज़न में गर्मी के सीज़न में ढेरों इसमें फूल आते हैं अभी जैसे देखिए इस प्लांट को बरसात का पानी मिला है तो इसकी जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है और ढेरों फूल एक साथ खिलते हैं इसके फूलों की गिनती नहीं कर सकते हैं इतने ज़्यादा इसमें फूल खिलते हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं ये भी आपको साठ सत्तर से लेके सौ रुपये तक नर्सरी पर मिल जाता है तो देखिए ये चांदनी के प्लांट हैं चांदनी के भी प्लांट जो है पाइट फूलों वाले ही होते हैं सिंगल और डबल पेटल या छोटे बड़े फूलों वाले प्लांट आपको मिल जाते हैं इनका भी प्राइस कम ही रहता है नर्सरी पर और मेरे पास भी ये तीन तरह के हैं जैसे सिंगल डबल पेटल और मिनी चांदनी मिनी चांदनी को मैंने गमले में लगाया हुआ और जो दो है ये जमीन में लगे हुए हैं तो बहुत ही कम केयर में ढेरों फूल ये देते हैं और व्हाइट फूल ही होते हैं सबके और लो मेंटेनेंस हैं ये भी पचास साठ रुपये का मिल जाता है नर्सी पर बल्ब वाले प्लांट अगर आप अगस्त मंथ में अपने गार्डन में कर करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं रेन लिली के प्लांट डिफरेंट कलर में मिलते हैं पाँच दस रुपये का एक बल्ब आपको इसका मिल जाएगा और जो रजनीगंधा होता है उसको भी बल्ब के थ्रू ग्रो किया जाता है तो उसको भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं उसका भी दस पंद्रह रुपये का एक बल्ब मिल जाएगा उसके फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है तो फ्रेंड इस तरह के और भी बहुत सारे सस्ते प्लांट होते हैं जिनको आप अपने गार्डन में अगस्त मंथ में ऐड कर सकते हैं तो वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय हैप्पी गानी